हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग सर्व संख्या के महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो यह होने वाला है। ये जो सवाल आपको दिखाई दे रहे हैं काफ़ी बेस्ट सवाल हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं और यही सवाल दिए जाते हैं जिससे बच्चे नहीं कर पाते हैं तो नंबर वंबर काट लिया जाता है। इसी से संबंधित आपको 5-6 प्रश्न कराए जाएंगे, अलग अलग टाइप के रहेंगे जिससे आप हर एक चीज़ अच्छे से सीख सको। सबसे पहले अगर इस टाइप का प्रश्न आपसे पूछा जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे, सबसे पहले प्रश्न को पढ़ो। यदि a प्लस वन अपान ए बराबर क्या है, 2 है, तो आपको बताना है कि a का पावर 2 प्लस वन अपान ए का पावर 2 का मान क्या होगा। बहुत ही इजी प्रश्न है, मैं लिखता जाऊंगा आपको समझ में आता जाएगा। यहाँ पर देखिए, जब भी ऐसे प्रश्न पूछ दिए जाएं यहाँ पे प्लस हो और यहाँ पे पूछ रहा हो कि ए स्क्वायर प्लस वन अपान ए स्क्वायर, यानी इस प्रश्न में आपको a प्लस बी का क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है, यही होता है। तो यही फार्मूला आपको इन प्रश्नों में क्या करना है, लगाना है। अगर फार्मूला भूल गए तो प्रश्न भी लगाना क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए करना क्या है, जहाँ पर फार्मूले में a है उसकी जहाँ पर आपको a लिखना है, जहाँ पर फार्मूले में b है उसकी जहाँ पर 1/a लिखना है। बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो यहाँ पर देखिए a है तो a की जहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, a लिख लेता हूँ, और b की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, 1/a, तो 1/a लिख लेता हूँ। अब देखिए पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर हम लोग क्या कर देते हैं, 2 कर देते हैं। उसी तरह से a की जहाँ पर a लिखना है, इसका पावर 2 है तो a का पावर 2 हो जाएगा, प्लस b की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, b की जहाँ पर 1/a लिखना है, b का पावर 2 है तो 1/a पूरे का पावर 2 करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 का पावर 2 का मतलब कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, और a का पावर 2 का मतलब कितना रहेगा, 1 का पावर 2, यानी इसको हम 1/a का पावर 2 इस तरह से लिख देंगे। बातें समझ में आ गई होंगी, तो काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। जरा ध्यान से समझिएगा, फिर से ऐसी चीज़ों को ध्यान से समझिएगा। 1/a पूरे का पावर 2 है तो 1 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 1, यानी ये क्या है, 1 का भी पावर 2 है, 1 का भी पावर 2 है, तो 1 का पावर 2 का मतलब 1 ही होता है, और 1 का पावर 2 का मतलब 1 का पावर 2 हो जाएगा। यही सेम चीज़ यहाँ पे क्या है, लिखी गई हुई है। आगे देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे, आगे ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर प्लस 2ab है तो प्लस क्या लिखेंगे, 2 इंटू ए की जहाँ पर a लिखेंगे और b की जहाँ पर 1/a लिखेंगे। अब इनको हम सॉल्व कर लेंगे। जब इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो जरा ध्यान से देखना, a प्लस 1/a पूरे का पावर 2 है तो a प्लस 1/a जो है वो 2 के बराबर है, तो a प्लस 1/a की जहाँ पर मैं क्या लिख लूँगा, 2 लिख लूँगा, और पूरे का पावर 2 है तो 2 का पावर 2 हो जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा, a का पावर 2 है तो a का पावर 2 लिखेंगे, प्लस 1/a का पावर 2 है तो a का पावर 2 लिखेंगे। इस चीज़ को कभी भी सॉल्व मत करना, जैसे a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2 है, क्यों, क्योंकि यही चीज़ आपको निकालनी है, यही चीज़ आपसे प्रश्न में पूछा था। अब मज़ा आ गया होगा, क्यों। अब यहाँ पर देखिए प्लस 2 इंटू ए इंटू 1/a है तो ए से क्या हो जाएगा, ए कट जाएगा, क्योंकि ए गुणा है आपस में, तो बच क्या रहा है, प्लस 2, तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, प्लस 2 इस तरह से लिख लेंगे। अब आपको इसका मान निकालना है, a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2, तो यहाँ पर देखिए 2 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 होता है, तो इससे मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या लिख लेता हूँ, 4 लिख लेता हूँ। अब करना क्या है, यहाँ पर देखिए ये जो प्लस 2 है इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 4 माइनस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 4 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, 4 में से 2 घटाओगे कितना आएगा, 2 आएगा, तो 2 बराबर कितना आ चुका है, a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2। आपसे पूछ क्या रहा था, आपसे ये पूछ रहा था, तो जो भी चीज़ पूछे उसको हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और उसका मान को राइट साइड में, यानी ये जो आ चुका है a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2, इसको हम इधर लिखेंगे, a का पावर 2 प्लस 1/a का पावर 2 बराबर यहाँ पर कितना था, 2 था, अब हम इधर 2 लिख देंगे, यही हमारा कितना आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब भी इस तरह के सवाल आए आप इसी तरह से क्या करिएगा, सॉल्व करिएगा, मक्खन की तरह ऐसे प्रश्न क्या होंगे, सॉल्व हो जाएंगे जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। चलिए अब हम लोग दूसरा प्रश्न करते हैं। दूसरा प्रश्न देखिए ये क्या है, x प्लस 1/x बराबर कितना है, 10/3, तो x का पावर 2 प्लस 1/x पावर 2 का मान आपको क्या करना है, निकालना है। अगर ऐसे प्रश्न मैं कह दूं कि आप करिए, क्योंकि अभी मैं पहला प्रश्न आपको बताया, तो बहुत सारे बच्चों के हवा निकल जाएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 10/3 है, ये भिन्न के रूप में है, और यहाँ पर देखिए भिन्न नहीं था, सिर्फ 2 था। तो ऐसे चीज़ों से मत डरा करिएगा, ऐसी चीज़ें हवा नहीं निकालती है, आराम से लग जाएगा। जरा ध्यान से समझिएगा, सेम उसी तरह से यहाँ पर देखिए प्लस वाला ही है, और यहाँ पर x पावर 2 प्लस 1/x पावर 2 का मान निकालना है, तो सेम वही फार्मूला लगेगा, a प्लस क्या, a प्लस बी का क्या, होल स्क्वायर।
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस क्या होता है, बी स्क्वायर प्लस क्या होता है, टू ए बी होता है। अब जहां पर फार्मूले में ए है उसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे, उसकी जगह पर हम यक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, यहां पर हम ए की जगह पर यक्स, बी की जगह पर 1 बाई एक्स लिखना है तो 1 बाई एक्स लिखेंगे। अब पूरे का पावर 2 है तो पूरे का पावर हम इस तरह से 2 करेंगे। ए की जगह पर हमें क्या लिखना है, ए की जगह पर हमें यक्स लिखना है, ए का पावर 2 है तो यक्स का पावर 2, प्लस बी की जगह पर हमें क्या लिखना है, 1 बाई एक्स लिखना है। तो 1 बाई एक्स लिखोगे तो बी का पावर 2 है तो पूरे का पावर 2 हो जाएगा। इसका मतलब यहां पर 1 का पावर 2 का मतलब 1 ही रहेगा और नीचे यक्स का पावर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब इस चीज को रफ कर देते हैं, प्लस हमारा कितना है 2 इंटू ए की जहां पर x लिखना है, b की जहां पर 1 बाई एक्स लिखना है। अब हमारा दूसरा स्टेप क्या कहता है, दूसरा स्टेप कहता है कि x प्लस 1 अपान x बराबर है 10 बटे 3 का। तो x प्लस 1 अपान x की जहां पर, यानी इसके जहां पर मैं क्या लिखूंगा, 10 बटे 3 लिखूंगा। इसका पावर 2 था तो 10 बटे 3 पूरे का पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी, इसका पावर कितना था, 2 ही है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, x का पावर 2 है तो x का पावर 2 लिखेंगे, प्लस 1 अपान x का पावर 2 है तो 1 अपान x पावर 2 लिखेंगे। इस चीज को हम नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि हमें इसी का मान निकालना रहता है। आगे हमारा देखिए, x से x कट जाएगा, प्लस 2 बचेगा तो प्लस 2 लिख लीजिएगा। अब यहाँ पर जब इसको हम सॉल्व करेंगे, 10 बटे 3 का पावर कितना है, 2 है। कितना है, 10 बटे 3, यहाँ पर लिख लेते हैं 10 बटे 3 का पावर कितना है आपका, 2 है। इसका मतलब 10 का पावर 2 है और 3 का भी पावर 2 है, तो 10 का पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 10 दहम कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बटे में 3 का पावर 2 का मतलब 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यानी 100 बटे कितना आ चुका है, 9। इधर क्या है, प्लस 2 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बटे 1 लिख लेना, बराबर इधर बचेगा कितना, x का पावर 2 प्लस 1 अपान कितना, x का पावर 2 बचेगा। हम क्या करेंगे, हमारा हर बराबर नहीं है तो हम बराबर करके इसे क्या घटा लेंगे, यानी 1 का गुणा 100 में करोगे कितना आएगा आपका, 100 आएगा, माइनस 9 दूना कितना हो जाएगा आपका, 18 आ जाएगा। बटे में कितना आएगा, 9 एक के कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इधर जरा देख लीजिएगा, आपका क्या है, x पावर 2 प्लस 1 अपान x पावर 2 बचा है, तो इधर जगह नहीं है तो उसको आप समझ लीजिएगा। अब अगर हम 100 में से 18 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 10 में से 8 गया कितना आ जाएगा आपका, 2 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 9 में से 1 गया आपका कितना आ जाएगा आपका, 8 आ जाएगा। फिर इधर कुछ भी नहीं बचेगा, यानी 82 बटे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब देखिए, 8, 9, 10 ये आपका किससे कटेगा, ये आपका शायद 3 से भी नहीं कटेगा और आपका 2 से भी नहीं कट रहा है, तो 82/9 रहने देंगे। 82/9 बराबर कितना है, x का पावर 2 प्लस 1 अपान x का पावर 2। तो हमें पूछा था x पावर 2 प्लस 1 अपान x पावर 2, तो जिसका मान पूछता है तो उसको हम किधर लिखते हैं, इधर लिखते हैं, यानी लेफ्ट हैंड साइड। तो x का पावर 2 प्लस 1 अपान x का पावर 2 बराबर कितना हो जाएगा, 82/9, कितना, 82/9। अगर यह किसी संख्या से कटे तो आप लोग काट लीजिएगा, वैसे यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो ऐसे जब प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप कैसे लगाओगे, एकदम मक्खन की तरह लगाओगे, क्या, मक्खन की तरह। चलिए अगला प्रश्न हम लोग करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, अलग टाइप का प्रश्न है, ऐसे प्रश्न क्या लगाने में मजा आते हैं। तो प्रश्न हमारा का क्या रहा है कि 101 का पावर 2 का मान ज्ञात करें। तो ऐसे प्रश्न में आपसे इस तरह से दे देगा कि सर्वसंख्या की सहायता से 101 का पावर 2 का मान ज्ञात करना है। तो इसमें कौन सी सर्वसंख्या आप लगाओगे, आपका दिमाग थोड़ा एक्टिवेट रहना चाहिए। एक्टिवेट कैसे रहेगा, थोड़ा खाना पीना खाओगे तो एक्टिवेट रहेगा। जैसे 101 का पावर 2 है, इसे हम क्या, किस तरह से इसको हम तोड़ें कि यह सर्वसंख्या के रूप में आ जाए। तो अगर हम इसे लिख दें 100 100 प्लस 1 लिख दें, तो 100 प्लस 1 क्या होता है, 100 प्लस 100 प्लस 1 का मतलब क्या होता है, 101 होता है। यानी 101 को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 101 प्लस 1 का यहाँ पर पावर 2 था, तो इसका पावर आप क्या कर दोगे, 2 कर दोगे, क्योंकि हम 101 को 100 - 1 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको भी पता है कि 100 में हम अगर 100 में 1 जोड़ेंगे तो 101 आ जाएगा, 101 का पावर 2 था तो इसका भी पावर 2 ही कर देंगे। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम 100 को a मान लें और 1 को हम क्या मान लें, b मान लें, और इसका पूरे का पावर 2 है तो इसका पूरे का पावर 2 कर दें तो a प्लस b का होल स्क्वायर बन गया। तो a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस क्या होता है, b स्क्वायर प्लस क्या होता है, 2ab होता है। तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा और अच्छी बात है कि जहां पर a है उसकी जहां पर हमें क्या लिखना है, 100, और जहां पर b है उसकी जहां पर 1 लिखना है। बहुत सही। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, a की जहाँ पर 100 लिखोगे तो 100 का पावर कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, प्लस b की जहाँ पर 1 लिखना है तो 1 का पावर कितना हो जाएगा आपका, 1 का पावर 2 हो जाएगा,
प्लस टू इंटू कितना हो जाएगा, ए कीजिए यहाँ पर 100 लिखना है और बी कीजिए यहाँ पर 1 लिखना है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 100 का पावर 2 का मतलब क्या होता है, जैसे 100 का पावर 2 का मतलब 100 गुणे 100 होता है, तो 100 गुणे 100 करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 1 लिख लेना, कितना जीरो है, 2 इधर 2 इधर, तो यानी 2 जीरो आपको लिख लेना है, कितना हो चुका है 4 जीरो। तो इधर आपका कितना 1 लिख कर इस तरह से आपको 4 जीरो लिख देना होगा। और यहाँ पर देखिए 1 का पावर 2 का मतलब कितना होता है, 1 ही होता है, प्लस यहाँ पर 2 इंटू 100 इंटू 1 है, तो 100 गुणे 2 करोगे कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा, और 200 को गुणा 1 में करोगे 200 होगा। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में जोड़ लेंगे, तो आपका कितना उत्तर आएगा, 10 221 का क्या आएगा उत्तर आएगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आएंगे आप इस तरह से करिएगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 303 और 297 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। यानी ये जो प्रश्न मैं आपको बताया हूँ इसी से संबंधित आपको 5-6-7 प्रश्न आपके किताब में मिल जाएंगे, 10 प्रश्न भी मिल सकते हैं। जब आपको इस टाइप का प्रश्न करने आ गया है तो जो आपके किताब में दिए होंगे वो भी आप करना आराम से सीख जाओगे। यहाँ पर अगला टाइप का प्रश्न है 303 और 297 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व होंगे जरा ध्यान से समझिएगा। 303 है तो 303 को आप क्या लिख सकते हो, 303 को आप लिख सकते हो 300 प्लस क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, इसको एक ब्रैकेट में कर दो। और 297 को आप क्या लिख सकते हो, बहुत सारे बच्चों के पास बुद्धि और विवेक होगा तो ऐसे प्रश्न को समझ सकते हैं, और जिनके पास नहीं है वो भी समझ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। 297 कहीं पर लिखा है 297, तो इसे आप क्या लिख सकते हो, इसे आप लिख सकते हो 300 माइनस क्या लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो। आ रही बातें समझ में, यानी जो 297 लिखा है उसे हम 300 माइनस 3 लिख सकते हैं, और 300 में से आप 3 घटा दोगे तो कितना आएगा, 297 आ जाएगा। तो 297 की जगह पर मैं क्या लिख रहा हूँ, 300 माइनस क्या लिख रहा हूँ, 3 लिख रहा हूँ। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यहाँ पर ए प्लस भी है, यहाँ पर ए माइनस भी है, तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगना चाहिए, यहाँ पर फार्मूला लगना चाहिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस चीज को थोड़ा मैं इधर लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगना चाहिए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस भी होता है और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस भी होता है। तो यहाँ पर देखिए चीजें वही है, 300 यहाँ है, 300 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 वहाँ है, बस क्या है ये ए प्लस भी है, ये ए माइनस भी है, यानी 300 प्लस 3, 300 माइनस 3। अब आपको मजा आ गया होगा कि हमें ये जो ए लिखा है इसकी जहाँ पर 300 लिखना है, बी की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है, और ए प्लस बी ए माइनस भी यहाँ पे दिया है, आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर निकालना है। तो ए की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, ए की जहाँ पर हमें 300 लिखना है, तो 300 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इधर माइनस कितना है, बी है, तो बी की जहाँ पर हमें क्या लिखना है, 3 लिखना है, तो 3 का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 300 का आप स्क्वायर करोगे 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 2 जीरो है तो आपको कितना जीरो लिखना है, 4 जीरो लिखना है। माइनस 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब इसमें से आप क्या करोगे, 9 घटा लोगे, तो जब 9 घटाओगे तो ये इससे उधार बनेगा 10, 10 में से 9 गया कितना आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा आपका, 9 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पे आपका कितना बचेगा, 9 बचेगा। और यहाँ पे कितना बचेगा, 8 बचेगा। यानी 89,991 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न आए, यानी 303 और 297 का गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आप इस तरह से लगाइएगा। लेकिन ऐसा प्रश्न जब भी देगा तो उसमें बोलेगा कि सर्वसमिका का प्रयोग करके लगाइए। अगर मान लीजिए ऐसे गुणे आ जाएं, यानी आपको 303 गुणे आपको करना पड़ जाए कितना, 297, तो आप काफ़ी टाइम लगा सकते हो। लेकिन इस छोटे से फार्मूले का प्रयोग करके आप आराम से बता सकते हो कि इसका उत्तर क्या होगा। इसमें क्या होगा, पहले 7 का गुणा करोगे, फिर 9 का गुणा करोगे, फिर आप 3 का, फिर आप 2 का गुणा करोगे, फिर जितना आएगा उसको आप क्या करोगे, जोड़ोगे, तब जाकर आपका उत्तर पता चलेगा। इसमें क्या है, बस आप फार्मूला रखें और फटाक से उत्तर आपका निकल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा आखिरी प्रश्न है, 52 गुणे 48 है। सेम यार वही प्रश्न है, 52 गुणे 48। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 52 गुणे 48 का मान ज्ञात करिए, थोड़ा अलग प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व किए जाएंगे, 52 गुणे 48 लगभग उसी से मिलता जुलता है, वही है, बस प्रश्न का क्या, प्रश्न बदला है। 52 को आप क्या लिख सकते हो, 50+2 लिख सकते हो, और यहाँ पर 48 को क्या लिख सकते हो, 48 को आप 50-2 लिख सकते हो, यानी 50 में से 2 घटाओगे 48 आएगा, और 50 + 2 कर दोगे 52 आएगा। तो यहाँ पर आपको क्या निकालना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आपको निकालना है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो ए की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, 50 का स्क्वायर हो जाएगा, और बी की जहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2, तो ये 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 50 का स्क्वायर करोगे 25, और एक जीरो है तो 2 जीरो लिख लेना, माइनस 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इसमें से 4 घटाओगे कितना, 10 में से 4 गया कितना, 6, यहाँ पे कितना बचेगा, 9, यहाँ पे कितना बचेगा, 4, यहाँ पे कितना बचेगा, 2, यानी 2496 इसका क्या होगा, उत्तर होगा। तो मेरे प्यारों, अगर आपको 52 गुणे 48 दे देंगे करने के लिए, तो आपको मजा कम आएगा, आपको यार इतना बड़ा गुणा करने में क्यों दे दिए, समस्या होगी। लेकिन ऐसे चीजें लगाकर आप ऐसे गुणों को आप आराम से क्या निकाल सकते हो। तो सर्वसमिका काफ़ी बड़ी चैप्टर है, जो आपके थोड़े बेसिक प्रश्न हैं उनको आपको बताया गया, पर ऐसे प्रश्न आपको पहाड़ भरे लगते हैं और कठिन भी लगते हैं, और हकीकत में कठिन होते हैं, क्योंकि सर्वसमिका काफ़ी मस्त चीज़ है। एक बार अगर आप लगाना सीख गए, तो आपसे जो छोटे छोटे आपके भाई बंधु हैं उनको 2-3 थप्पड़ लगाकर समझाना मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा, अब बच्चा रोएगा और मजा आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, आप लोग अपने से छोटे भाइयों को भी बताया करिए, लेकिन तब जब आप सीखे रहोगे तब ना दूसरों को बताने में काफ़ी मजा आता है, समझ रहे हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, मैथ काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आल ऑफ यू।